व्यक्ति इस साधना को सिद्ध करना चाहे तो सिद्ध करने में तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो उसके गले में रुद्राक्ष को माला होनी बहुत जरूरी है। यदि आपको कभी संभव हो तो रुद्राक्ष बहुत महंगा होता नहीं, 108 पंचम की रुद्राक्ष की मालाएं ले लेनी चाहिए और उसको पूरे शरीर पर धारण कर लेना चाहिए। वो शरीर पर धारण करने में 5 स्थान होते हैं, सिर पर, गले में, दोनों भुजाओं में और कमर में। बस 5 स्थानों पर शुद्ध करने से या इस प्रकार पूरी 101 रुद्राक्ष बड़े बड़े मंत्र छोटे मंत्र हैं या 1001 मंत्रों से भी मालाएं बना सकते हैं, उनका धारण करते हैं। उससे शरीर पूर्ण प्रबद्ध हो जाता है इस साधना के लिए। अन्यथा ऐसा नहीं हो तो आप एक छोटी सी माला, कोई भी रुद्राक्ष की माला गले में पहने और सामने भगवान शिव का मृतिका से या अन्य किसी भी पदार्थ से शिवलिंग बना लें। फिर इसे मंत्र सिद्ध कर लें, संजीवनी किया कर लें। मैं आपको एक मंत्र दिखा रहा हूँ, साबर मंत्र। ये तो उपलब्ध की बात, आपका ऊपर कुछ पहना, नाभी से ऊपर कुछ वस्त्र पहनना नहीं चाहिए, नाभी से नीचे धोती पहनी हुई होनी चाहिए। महिलाएं पूरे वस्त्र पहन सकती हैं मगर वे शुद्ध हों और स्वस्थ हों। यह साबर मंत्र शिव सिद्ध करने का मंत्र है। शिव को सिद्ध कर, शिव को प्रत्यक्ष कर फल प्राप्ति की साधना है। शिव हमारे सामने प्रकट हों और हम जो इच्छा करें वह फल मिल जाए। ओम, ये रावण पत्र साबर मंत्र है। जबकि मैंने आपको बताया था कि ये सब गोरखनाथ से प्रणीत हुए हैं मगर साबर मंत्रों की सृष्टि गोरखनाथ से प्रणीत नहीं हुई है। अत्यंत प्राचीन है मगर उसका प्रचलन गोरखनाथ ने अत्यधिक कर दिया। पहले अगर 1% था तो गोरखनाथ ने उसको 100% कर दिया, इसलिए गोरखनाथ से प्रणीत माना गया। ये रावण का साबर मंत्र है और रावण के ससुर थे अनंत पाल, उनकी स्मृति हुई, इसलिए अनंत पाल को साक्षी करके अब मंत्र बोल रहा हूँ। उन्होंने समझाया, ओम नमो आदेश वीर बैताल हंकार कंकार द्रौपदी कंकार स्वप्रबिंदी शंकार शंकार अहंकार धूल घटा विकटा घोरा घोरा पातालिक भैरव बैताल दुर्भर दुर्मुख ग्यारह उदय एकादश एकादश रुद्राय आवे नृत्य करे
आकाश चीरे पृथ्वी समाये दस दिशा बोले महाकाल शिव प्रकट थाय महाकाल शिव प्रकट थाय वर दे सिद्ध करे गुण करे न करे तो मां पार्वती की दुहाई अनन्न पाल बाचा अनंग पाल बाचा सिद्ध पुरो मंत्र पुरो बाचा हम हम द्वार यह एक साथ भगवान शिव और एकादशी रुद्र संबंधित साधन साधना है और उसमें भगवान श्री स्वयं प्रकट होकर के साहित्य प्रदान करती है एक और प्रत्यक्ष दर्शन देने की साधना दो और अदृष्ट प्रदृष्ट साधना तीन इन तीनों साधना की तो यह 11 दिन की साधना है और नित्य 51 मालाएं पूरी है विद्याक्ष के माध्यम से। तभी यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और जो मैंने बताया है वो सिद्ध होता है। इक्यावन मालाएं 11 दिन इसमें अगरबत्ती दीपक लगाने की जरूरत नहीं होती और अन्य किसी विधि विधान की जरूरत नहीं होती। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।